ये एक इंटरेस्टिंग केस आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, छोटी छोटी गिल्टियां हैं इसमें और कोहनी पर बनी हुई हैं पेशेंट्स को। पेशेंट को तो एक हफ्ता पहले फील हुई हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि क्या हो सकता है यहाँ पे। ये ज़्यादातर तो ये लगता है कि स्किन के नीचे हैं, तो ये लाइपोमा होगा, चर्बी की गिल्टी होगी, लेकिन उससे ज़रा ये ज़्यादा सख्त हैं और ये ज़्यादा मूव कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मूव कर रही हैं देखें। और ये तीन चार हैं, ऐसे लगता है कि गोलियां सी यहाँ फिर रही हैं। और ये कोहनी पे हैं तो यहाँ पे टेंडन भी होते हैं, यहाँ पे पट्ठे भी होते हैं, यहाँ पे जोड़ भी होता है, तो वहाँ से ये गिल्टियाँ बन जाती हैं बाज़फ़ा। तो ये कैल्शियम डिपॉजिट्स भी बाज़फ़ा होते हैं जितना ये हार्ड फील हो रहा है, और बाज़फ़ा ये पट्ठे होते हैं वो थोड़े से सख्त से हो जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, यहाँ पर गैंग्लियन सीसिस बन जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा देखें हम मूव कर रही हैं फिर, और हम ना आपको ऑपरेशन भी इसका करके दिखाएंगे कि ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि ये क्या चीज़। अगर तो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, मोस्टली तो ये होता है कि ये कैल्शियम के इसमें जो हमें लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, देखें तीन चार हैं एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, और इनको अलहदा आपस में सेपरेट भी किया जा सकता है। लाइपोमा यूजली एक होता है और वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करता, और गैंग्लियन तो एक जगह पे फिक्स होता है, और दूसरी भी गिल्टी जो होती है, तो ये कंड्रोमाटोसिस हो सकती है, और सैनोविल फ्लूड से भी बाज़ बनता है, वो यहाँ पे फील नहीं होता। देखें अब हम आपको ऑपरेशन में दिखाते हैं। ये अब देखें, ये ऑपरेशन हो गया इसका। ये दो तीन गिल्टियाँ थीं, ये तीन का इकट्ठे वो कम्बिनेशन बना हुआ है, और ये एक सेपरेट सी है जो उसके साथ लगी हुई है फोरसेप के साथ। ये है आज की वीडियो।